Hello, namaskar and namaste friends. Welcome to Adibish Tales. My name is Vishakha and I'm back with a new vlog. Today I'm going to share a few details why the name of this channel is Adibish Tales. It's very simple, but it's very special for me. My name is Vishakha and my husband's name is Ajay, so we have taken a few parts of our names and together it becomes Adibish Tales. Aja from Ajay's name and Bish from Vishakha, so it's Adibish Tales. I know it's a little funny, but it's very special for me, so no comments. And अभी बजा है 6:30 इन द मॉर्निंग. मैं अभी सो के उठी हूँ. आई एम ट्राइंग टू चेंज माई रूटीन अ बिट. अर्लियर आई यूज टू वेक अप वेरी लेट. मिस्टर सिन्हा ऑफिस चले जाते थे, फिर उसके बाद मैं फिर से थोड़ा टाइम के लिए सो जाती थी. लेकिन आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा रूटीन को चेंज करूँ. आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली फ्रॉम टुडे. आज मैं 6:30 को ही उठ गई. And now I'm going to prepare some breakfast and we will have together. After that, Mr. Sina chale jayenge office ke liye. Fir mera din shuru hoga aaj ka. To chaliye aaj ka din shuru karte hain. मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, तो एज आई एम चेंजिंग माई रूटीन एडेड दिस टू माई रूटीन एज वेल कि मैं आज से पानी बहुत ज़्यादा पीऊँगी. एटलीस्ट 2.5 लीटर्स. अभी देखते हैं होता है कि नहीं. तो मैंने ये बॉटल लिया है, फुल तो नहीं किया है, इतना तक होगा पानी. तो इसको आज इसको अभी पूरा ख़त्म करना है. एक ही बार में तो खत्म नहीं कर पाऊंगी, धीरे धीरे पीऊंगी क्योंकि वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो हमें सभी को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 लीटर्स अ डे. मैं खुद नहीं पीती लेकिन आज से शुरू कर रही हूँ. मिस्टर सिन्हा को मैंने ओट्स बना के दिया. आई डोंट लाइक ओट्स, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ही ले लिया खाने के लिए ब्रेकफास्ट में. मैं आज वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर है वहाँ जा रही हूँ, तो उसके लिए रेडी हुई हूँ. आज सलवार पहना है, साड़ी पहनने का मन नहीं था, ठंडा है तो फुल स्लीव सलवार पहन लिया मैंने. तो अभी बस लेने के लिए आने वाली है और मैं चलूँगी वहाँ, लोगों से मिलूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा. घर में बहुत बहुत दिन हो गया घर से बाहर अच्छे से लोगों से मिलने के लिए नहीं निकली, तो बहुत दिन बाद आज निकल रही हूँ तो फ्रेश फील होगा, तो अच्छा लग रहा है. तो चलिए चलते हैं थोड़ी देर में. मैं वेलफेयर से तो आ गई थी,
अराउंड सिक्स बजने से पहले ही पहुंच गई थी मैं घर. अभी आज से मैंने सोचा कि जिम शुरू कर दूँ, तो अभी 6:30 हुआ है राउंड. और अभी मिस्टर सिन्हा के साथ सोच रही हूँ कि जिम चली जाऊँ थोड़ा टाइम के लिए. इसके लिए रेडी होना है. जिम में तो गर्मी लगने वाला है थोड़ा सा, तो देखती हूँ क्या पहन के जाऊँ. आज से जिम शुरू करूँगी तो बॉडी पेन भी होने वाला है, तो उसके लिए भी पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे को जो बॉडी पेन होता है, मुझे उठने का भी मन नहीं करता है. इतना पेन होता है कि हिलने का भी मन नहीं करता है. तो चलिए जिम चलते हैं. जिम इतना पास नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग वॉकिंग जाएंगे. बाय वॉकिंग हमें लगा 20 मिनट्स, तो आप समझ सकते हो कि इतना भी पास नहीं है जिम. पर हमको थोड़ा वॉक करने का मन कर रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज वॉकिंग ही जाएंगे. मैं अभी जिम में हूँ. आज बहुत दिन बाद शुरू कर दिया जिम. आई थी बीच में, लेकिन घर जाने की वजह से छूट गया था. अभी फिर से शुरू कर दिया. पूरा बॉडी पेन होने वाला आज तो घर जाके. आज तो फिर भी ठीक है, कल से तो 3 दिन तक वॉक कर पाऊँगी कि नहीं पता भी. मैं अकेली हूँ जिम में, कोई भी नहीं है. मज़ा आए. दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू कम टू आर्मी जिम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं. आते भी हैं तो दिन में आके चले जाते हैं. अभी अराउंड 7 बजने वाला है शाम का, तो अभी लेडीज़ जिम में तो कोई नहीं आता. जेंट्स जिम में होते हैं लोग, पर लेडीज़ जिम में कोई नहीं है अभी फ़िलहाल. मैं अकेली हूँ, अकेले जिम कर रही हूँ. टेस्ट किया था. हाय हाय, मैं अभी थक गया. तुम तो हाँ जिम के लिए लाया था तुम. एक बूंद पसीना भी नहीं निकला. मेरा पसीना नहीं निकलता है, क्या करूँ? तो पसीना निकलने के लिए स्पीड से करना पड़ेगा ना एक्सरसाइज, तभी तो स्पीड से किया. आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, जल्दी मिलेंगे.